झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें देख सकते हैं। हमको लगता है ये ट्रेन गुजरेगा और हमारे जो मेंबर्स है वो नजर आएंगे। हमारे फ्रेंड लोग एक्साइटेड है देखने के लिए। आप देख सकते हैं अपने साथी को पकड़े हुए, देखिए कितने बेचैनी से हो गए हैं। ब्लॉग बन रहे लोग, हम लोग बोले थे कि चल हम लोग के साथ, लेकिन सुना नहीं। छोटा मोटा बोगी में घुस गया। हाँ, छोटा मोटा बोगी में घुस गया। हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में जा रहे थे, बोले चलो हमारे साथ। चलिए देखते हैं, खोजते हैं हमारे साथी कहाँ पर है। अरे नहीं दिख रहा रे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथी, देख सकते हैं किस तरह उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लग रहा है उसको एक दो थप्पड़ मारा है कान पे। आप देख सकते हैं कितने गंभीर अवस्था से भी हमारे फ्रेंड गुजर रहे हैं, कितने तकलीफों से गुजर रहे हैं। कुछ गधे लोग भाग भी आए हैं। आप देख सकते हैं ये भी उन्हीं लोग के साथ था। आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कान पकड़ने का ये नया स्टाइल है। अच्छा देखिए हमारे फ्रेंड का कितना पैर भी है, कितना पहुंच है। वो फोन करवा के अपना मैटर क्लोज करवाना चाहते हैं। देखिए अब आगे क्या होती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा फ्रेंड को कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग का सपोर्ट बस बना रहे। आपको मैं पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ, पकड़ाने से लेकर छूटने तक का। देखिए हमारे फ्रेंड लोग की बेचैनी आप देख सकते हैं, ये सब की बेचैनी देख सकते हैं। सब अपने अपने पैरवी में लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ फोन करवा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ फोन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं अब उन्हें बिठा लिया गया है। बच्चा एक मजा आ रहा होगा। आप बेफिक्र रहिए, हमारे फ्रेंड लोग हैं बहुत चालू किस्म के हैं, बहुत स्टैंडर्ड किस्म के हैं। उनको तो कुछ होने वाला नहीं है, इतना कंफर्म है हम लोग। देखिए कुछ कुछ समझाया जा रहा है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कानून से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और हम लोग कानून से खिलवाड़ करने जा रहे थे। हम लोग ने विदाउट टिकट सफ़र किया, उसका बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ा हम लोग को। उसके लिए बहुत अफसोस है, जितना रुपये फाइन भरे उतना में हम लोग सारा का टिकट हो जाता, लेकिन हम लोग टिकट नहीं लिए। और देख सकते हैं कि हम लोग उनको छोड़ाने के लिए भी गए तो हम लोग को टिकट लेकर जाना पड़ा। तो इसलिए हम लोग आपको भी एडवाइस देंगे कि कानून के साथ सच में खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग ने भी फाइन भरा, उसके बाद ही उनको छोड़ा कर लाया है। इसलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि कहीं भी सफ़र करें तो विदाउट टिकट सफ़र ना करें। बहुत बड़ा जुर्माना भरने को पड़ता है। हम लोग जुर्माना भरने के बाद ही निकाले, कोई पैरवी काम नहीं करता। पैरवी के भरोसे सफ़र करना ही नहीं चाहिए। आप जहाँ भी जाएं अपना टिकट साथ लेकर ही जाएं तो वो बेटर होता है। मंदिर खुल जाएगा। हेलो गाइस, सॉरी, बात यह है ना कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो जितना भी पब्लिक प्लेस है वो सारा बंद है अभी। तो हम लोग आ तो गए पटना सिटी, लेकिन कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है, पर बाहर से लॉक हो गया है, कहीं अंदर जाने के अलाव नहीं है। तो हम लोग लगता है गलत समय पर आ गए, और पटना सिटी भी हम लोग पता किए वो भी बंद है, तो हम लोग कहीं घूम नहीं पाएंगे। और एक तो घूम नहीं पाए, ऊपर से हमारा फ्रेंड टीटी से भी पकड़ा गए, वो तो आपने देखा ही। लगता है हमारा सफ़र का मतलब हमारे सफ़र में किसी का नज़र लग गया। और क्या कहा जाए। देखिए हमारे फ्रेंड लोग इसी तरह बैठ के टाइम पास कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है,
इतना खूबसूरत मंदिर है, पर हम लोग इस मंदिर का लाभ आंख से सिर्फ सेक सकते हैं, अंदर जाने का अलाव नहीं है। तो अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर से ही आप लोग को मैं दिखा दूं, जहां तक हो सके मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। देखिए अब यहां आ गए हैं तो हमारे फ्रेंड लोग किसी भी तरह इंजॉय लेने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे बैट बॉल थोड़ा सा मांग कर बच्चा लोग से। और देखिए आप इसी मंदिर के आगे हम लोग खेल रहे हैं, क्योंकि इतना दूर आ गए हैं तो अब थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, क्योंकि हम लोग घूम नहीं पाए कहीं पे, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर ले रहे हैं। अब देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड एक बात बता दूं कि मंदिर के बाहर का भी नजारा बहुत खूबसूरत है। वो अब क्या हुआ, हम लोग मंदिर नहीं घूम पाए, तो मंदिर के बाहर का नजारा भी आपको मैं दिखा दूं। आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत नजारा है। और मैं आपको देखिए, यहाँ एक नदी तालाब है, मैं उससे आप दिखा दूं। देखिए मंदिर नहीं घूम पाए तो हमको अफसोस है, पर यहाँ का जो बाहर का नजारा जब हमने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मिस तो हुआ कुछ चीज, मगर कुछ हासिल भी हुआ, ये खूबसूरती भी हम देख पाए। क्योंकि अगर यहाँ ना आते तो खास करके ये खूबसूरती हमें मिस हो जाता। आप देख सकते हैं किसी भी तरह। अब देखिए बात वो है ना कि कहीं भी आप जाइए ना तो मायूस मत हो, जहां आप गए हैं वहां का वातावरण, वहां का माहौल देखकर ये एंजॉय लेने की प्रयास करें, क्योंकि जीवन में हमेशा आपको आपके अनुसार खुशी नहीं मिलने वाली है। आपको जो चीज मिले उसी में आपसे आपको खुशी ढूंढनी पड़ेगी, और खुशी वहां से निकाल कर खुद से एंजॉय करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे सेल्फी लिया जा रहा है, वो भी हमारे बगैर, ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना। तो हमारे बगैर सेल्फी हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत होने के बावजूद कहीं कहीं अस्वच्छ भारत हो रहा है, जिस पर आप देख सकते हैं जहाँ खूबसूरती है वहाँ पे थोड़ा सा टट्टी वट्टी भी है। तो हमारे एक फ्रेंड के पैर उस पर चल गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्या किया जाए, स्वच्छ भारत को अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लाए हैं, उन्हीं का पैर चला गया, उन्हीं का राजीव भाई का पैर चला गया, पर कोई बात नहीं, लिंगेश्वर महाराज है वो। जैसे ही पैर पड़ा सबसे पहले वो जाकर साइड में ऐसे पोछे जैसे किसी ने नहीं देखा, पर हमारे टीम के एक एक मेंबर के आंख एक चील से भी गहरे हैं, वो तुरंत देख लिए कि किस पर चढ़ा है और कितना लगा है ना। तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदद।